que ondas y pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño un borro de acero rock. फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन आएगी उसे प्रेस करने लगे क्योंकि आने वाले समय में अभी तक तो हमने जो किया वो तो ऐसे ही ट्रायल था। अब आने वाले समय में हम अपनी लेटेस्ट वीडियो मतलब सुधार अपडेट करते हुए अपनी वीडियो बनाएंगे क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे ट्रायल के लिए वीडियो चैनल बनाया था तो सोचा कुछ डाल दूँ तो इसलिए डालता रहा, लेकिन अब मैं अपने अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करूंगा इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए से नए फैक्ट्स बताऊंगा आपको, टेक्निकल से रिलेटेड हर एक फील्ड से रिलेटेड फैक्ट्स बताऊंगा आपको। तो एक ही फैक्ट हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आज का टॉपिक है तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी बुक है जो सिर्फ एक ही बुक पढ़ने पे, वो भी छोटी सी बुक है, 506 क्वेश्चन है इसके, ऐसी 506 यानी 511 अभी देख रहे हैं आपकी, अभी दिखा के बता रही हूँ। इसमें हैं 511 क्वेश्चन हैं, 511 क्वेश्चन सिर्फ करने से मतलब पूरी केमिस्ट्री आपको आ जाएगी। तो आज मैं ऐसे ही बुक के बारे में बताऊँगा आपको। देखिए इसमें आंसर की भी है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ 110 पेजों में पूरी केमिस्ट्री बताई गई है इसमें, और बाकी क्या है सॉल्यूशन वाला, आंसर की एंड सॉल्यूशन, सिर्फ 110 पेज हैं इसके। देखिए डायमो देखिए इसका, इसमें हर एक पॉइंट्स मिलेगा आपको, ऐसा भी नहीं कि छोड़ छोड़ के बताया गया है, इसमें सॉल्यूशन भी दिया है, क्वेश्चन भी बहुत हैं। ये देखिए इसकी थ्योरी, थ्योरी भी एकदम गजब टाइप की होगी कॉम्पिटिशन वाली, एक ही लाइन में जाने कितनी बातें छुपा के इन्होंने रखी हुई है इसमें किताब में। इसमें हर एक चैप्टर होगा, देखिए जैसे रेडॉक्स रिएक्शन, इतना लंबा चैप्टर है आपको भी पता होगा शायद आपने इंटर या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या पढ़ा है होगे। तो इसमें देखिए रेडॉक्स रिएक्शन कितना इन्हें छोटा कर दिया चैप्टर, हाफ पेज में ही आ गया इनके, और ऐसा भी नहीं कुछ छोड़ दिया हो इनने, डेफिनेशन तक दे दी रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, डेफिनेशन से लेकर हर एक पॉइंट से इनने समझाया टाइट्रेशन तक। गैसीय स्टेट देख लीजिए, इतनी लंबी गैसीय स्टेट इनने सिर्फ एक पेज पर, हाफ उस तरफ हाफ इस तरफ। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इनने इसी तरह बताया है। अब मैं आपको ऐसे ही देखिए थर्मो, इसमें अभी तक अभी फिजिकल केमिस्ट्री, अगले ऑर्गेनिक होगी फिर इनऑर्गेनिक है। इसमें देखिए थर्मोडायनेमिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मो केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड लास्ट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्वेश्चन भी इसके देखिए, क्वेश्चन भी गजब टाइप के हैं, जैसे CO2 प्लस है, सी डायमंड है, और टू CO गैस, CO2 भी गैस है, ये डायमंड है, ये भी गैस है। तो इसमें क्या है कि डायमंड क्या होता है सॉलिड, तो इसमें सॉलिड में नहीं लेते हैं, तो फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ CO 2 इंटू फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ CO माइनस फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ CO2 आ जाएगा आंसर आपका। इसमें आएगा प्लस का 170, प्लस का 170.5 आएगा जो इसमें है नहीं, तो इसका आंसर सही होगा नन ऑफ दीज। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, बहुत अच्छी बुक है ये, और सभी तरह के क्वेश्चन है इसमें, एक उसमें पार्ट में कितने क्वेश्चन है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इतने तरह के हैं, इंटीजर टाइप, रीजनिंग टाइप के हैं, ये रीजनिंग टाइप हैं। ये कॉम्पेंसेशन टाइप के हैं,
मैट्रिक्स मैश टाइप है ये, मैट्रिक्स टाइप के हैं ये, मल्टीपल करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप एंड एक और होगा, नहीं मैट्रिक्स मैच टाइप है ये, मल्टीपल करेक्ट होंगे। और सेक्शन सीन क्या है, इंटीजर टाइप, ये इंटीजर टाइप के। और ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत शॉर्ट में, ये देखो इस तरह से इनने बहुत पूरा सब कुछ एक ही उसमें हाफ उसमें पेज में दे दिया, कैसे फॉर्मेशन होता है सबका। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हम अगले वाले फैक्ट्स को आपको जल्दी से जल्दी दिखा सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमारे लिए मेल करिएगा और उसमें क्वेश्चन भेजिएगा, हम आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। कोई सी भी सपोर्ट चाहिए हम उसका हम आपको सेटिस्फाइड करके छोड़ेंगे। तो आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ।